हमें गलती हुई, हम क्षमा चाहेंगे अपने व्यूवर से। कुछ तकनीकी खराबी के कारण से हम हमारा संपर्क आपसे ज़रूर छूटा था, लेकिन हम आपके लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। हमें गलती हुई थी इतने बड़े मैच में। एक बार फिर हम आपके साथ सीधा प्रसारण SNW चंद्रहामा से जुड़ चुके हैं। सुल्तान वॉरियर्स के कप्तान ने टॉस जीता था और उन्होंने पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया है। अभी तक उन्होंने अपने बल्लेबाजी से निराश जरूर किया है। दर्देश गोनी जो हैं वो मैदान के अंदर आए हैं। दो खिलाड़ी वापस जा चुके हैं सुल्तान वॉरियर श्रीनगर की ओर से। दर्देश गोनी एक ऐसे खिलाड़ी हैं जो मुश्किल परिस्थितियों में अपनी टीम को साथ जरूर दे रहे हैं। ऐसे में देखना यही होगा क्या इस टीम को वो मुश्किल समय से बाहर निकाल सकते हैं या नहीं। उसका साथ दे रहे हैं मोहसिन रमजान जो एक सलामी जोड़ी के तौर पे जरूर आए थे। इस बार बहुत ही अच्छी गेंद, वहां शॉर्ट स्क्वायर लेग पे खिलाड़ी जरूर तैनात हैं, उस लिहाज से वहां रन मिलना थोड़ा सा मुश्किल उनके लिए। और कुल मिला के एक अटैकिंग फील्डिंग सजाई है यहाँ RCC वाठोरा के कप्तान ने, रियाज पीर जो उनके कप्तान हैं। उन्होंने बढ़िया फील्डिंग सेट की हैं। वो जानते हैं कि शुरुआती ओवर में उन्होंने 2 विकेट खोए हैं, तो यहाँ से उनके ऊपर प्रेशर बनाए रखने की ज़रूरत है। कुल मिला के एक बढ़िया माइंडसेट के साथ वो मैदान में उतर रहे हैं। आज 6वां ओवर प्रगति पे हैं, 27 रन बोर्ड पे लग चुके हैं। और महत्वपूर्ण बात ये है कि दो खिलाड़ी सुल्तान वॉरियर्स ने ज़रूर खोए हैं। और रईस नज़ीर जिसको रईस कोहली के नाम से जाने जाते हैं, उन्होंने आज खासा निराश किया है अपने हमारे व्यूवर्स को। उन्होंने केवल 2 रनों का योगदान दिया, 6 गेंदों का उन्होंने सामना किया। तौसीफ अहमद का वो शिकार बने, क्लीन बॉल्ड होकर वो वापस गए। उसके बाद ओएस महराज आए थे, हालांकि उन्होंने कुछ शॉट्स अच्छे ज़रूर खेले थे। मिड विकेट के ऊपर से एक छक्का लगाया था और एक चौका भी उन्होंने लगाया था, लेकिन थोड़ी सी उन्होंने जल्दबाजी दिखाई और अपनी विकेट वहाँ खो डाली ओएस महराज ने। उन्होंने 9 गेंदों का सामना किया, 10 रन बना के वो उम्र का शिकार बने। अब दर्देश गोनी मैदान के अंदर आए हैं, साथ दे रहे हैं मोहसिन रमजान का। मोहसिन रमजान ने 16 गेंदों का सामना किया, 8 रन बना के वो अभी भी नाबाद खेल रहे हैं। मोहसिन रमजान एक ऐसे खिलाड़ी हैं, वो लंबे शॉट लगाने की काबिलियत है उनके पास, लेकिन देखना यही होगा कि RCC वाठोरा के गेंदबाजों के सामने वो क्या कर पाएंगे। सभी निगाहें उनके ऊपर ज़रूर हैं। दर्देश गोनी अब स्ट्राइक पे हैं, जिन्होंने 6 गेंदों का सामना किया, 1 रन बना के वो अभी भी नाबाद हैं। अब फील्ड भी खोल दी जाएगी क्योंकि पावर प्ले जो हैं वो समाप्त हुआ है। इस बार बहुत ही खूबसूरत शॉट, वहाँ पे मिड ऑफ पे खिलाड़ी तैनात हैं। हालांकि वहाँ हल्की सी मिसफील्ड ज़रूर हुई थी खिलाड़ी की ओर से, लेकिन 1 रन से रोक नहीं पाएंगे। इस 1 रन के साथ 29 रन बोर्ड पे ये 7वां ओवर प्रगति पे हैं। मोहसिन रमजान अब स्ट्राइक पे हैं, जो 4 नंबर की जर्सी में खेल रहे हैं। इस बार उठाने का उन्होंने प्रयास ज़रूर किया था, वहाँ डीप मिड विकेट पे गेंद ज़रूर गई थी। जब तक उसको फील्ड कर पाते 1 रन से रोक नहीं पाएंगे। ये 7वां ओवर प्रगति पे हैं, 30 रन बोर्ड पे लग चुके हैं, 30 रन बोर्ड पे लग चुके हैं और 2 खिलाड़ी उन्होंने खोए हैं। अगर आप इस खेल में अभी तक नज़दीक से देख रहे हैं, ये इसलिए इतने संभल कर खेल रहे हैं क्योंकि वो जानते हैं अगर यहाँ से एक और विकेट गई हैं तो मेरे विचार में उनके ऊपर फिर अतिरिक्त दबाव ज़रूर होगा। पहले स्लिप उन्होंने अभी भी तैनात ज़रूर की है। गली स्वीपक कावा, 30 गज दायरे के बाहर हैं।
शॉट कावर भी 30 गज दायरे के अंदर हैं, मिड ऑफ कैचिंग पोजीशन पे हैं। तो ये हैं ऑफ साइड की फील्ड। अगर आप ऑन साइड की फील्ड की बात करें, शॉर्ट स्क्वायर लेग पे खिलाड़ी तैनात हैं, डीप मिड विकेट पे खिलाड़ी तैनात हैं, डीप स्क्वायर लेग पे खिलाड़ी हैं, लॉन्ग ऑन पे खिलाड़ी तैनात हैं। ये ऑन साइड की फील्डिंग उन्होंने रखी है। इस बार बहुत ही खूबसूरत गेंदबाजी हो रही है, ज़्यादा कोई रूम नहीं दे रहे हैं। तौसीफ अहमद जो हैं अपने कोटे का ये चौथा ओवर लगातार कर रहे हैं। और अमूमन आप ये कम देखते हैं कि एक गेंदबाज को पावर प्ले में आप चार ओवर लगातार करा रहे हैं, लेकिन एक सही कप्तानी कहना यही पड़ेगा। इस बार बहुत बढ़िया गेंद रक्षात्मक तरीके से खेला, रन बनाने का कोई भी संभावना नहीं। सात ओवर की समाप्ति के बाद 31-2 सुल्तान वॉरियर श्रीनगर की टीम। और निश्चित तौर पे यहाँ थोड़ा सा सोच विचार जरूर करेंगे सुल्तान वॉरियर श्रीनगर के मैनेजमेंट और उनके खिलाड़ी, क्योंकि इस रन गति को वो थोड़ा सा सुधारना जरूर चाहेंगे। अगर T20 फॉर्मेट में और ख़ास तौर से इस मैच में RCC वाठूरा को आप मैच हाराना है, तो उनके सामने एक सम्मानजनक लक्ष्य ज़रूर उनके सामने रखना होगा, तब जाके आप उनको चुनौती दे सकते हैं। कुछ देर के बाद हमारे सहयोगी अंग्रेजी कॉमेंटेटर शफी परा हमारे साथ ज़रूर जुड़ेंगे, उनकी आने का हम इंतज़ार कर रहे हैं। आप बने रहिए हमारे साथ। आप सभी जानते हैं कि उनका हर दिन लाइव में आना थोड़ा सा मुश्किल है, वो एक सरकारी कर्मचारी हैं, ऐसे में उनकी जो भूमिका है वो लोगों की सहायता करना है। और वो देखते हुए जो उनकी छुट्टी की दिन होते हैं, हम प्रयास कर रहे हैं कि उनको लाइव में आने का। ये उनका घरेलू मैदान है जहाँ मैं आपके साथ सीधा प्रसारण जुड़ चुका हूँ। शफीपारा का ये घरेलू मैदान है जिसको आप SNW के लाला के भी नाम से जाने जाते हैं। SNW की अगर आप बात करें, जिस तरह का योगदान रहा है शफी भाई का, जिसको आप शफीपारा के नाम से जाने जाते हैं, जिस तरह का योगदान रहा है SNW में उनका, उसको शब्द में हम इस बार बहुत बढ़िया शॉट डीप मिड विकेट के ऊपर से गेंद दर्शक दीर्घा में, कितना बढ़िया छक्का इस बार मोहसिन रमजान के बल्ले से। जो ही हम बातचीत कर रहे थे कि मोहसिन रमजान एक ऐसे खिलाड़ी हैं जो बड़े शॉट की चेष्टा रखते हैं, और उन्होंने ये करके दिखाया है। कितना बढ़िया छक्का इस बार मोहसिन रमजान के बल्ले से। मोहसिन रमजी के नाम से इसको लोग जाने जाते हैं, और क्या लोकप्रिय खिलाड़ी। और मुझे तो ऐसा लग रहा है कि आज उनका दिन जरूर है और मौका भी है। और कहते हैं ना कि मौके देखकर पंच मारना चाहिए। जहां उनके काफी समर्थन हमारे लाइव में मौजूद हैं, आफाक राजा उनके लिए शाबाशी दे रहे हैं। और ये सही भी हैं कि अगर आप किसी भी खिलाड़ी को पसंद करते हैं, उसका आप हमेशा सराहना करें, क्योंकि एक खिलाड़ी को इस तरह के लोग चाहिए जो उनका हमेशा समर्थन करें, चाहे उनका मुश्किल समय है, चाहे उसका खराब समय। इस बार बहुत ही अच्छी गेंद, इस बार अतिरिक्त उछाल, गति परिवर्तन जरूर किया था, सेटअप के लिए वो तैयार कर रहे हैं खिलाड़ी को। दर्देश गोनी स्ट्राइक पे हैं, जिन्होंने 10 गेंदों का सामना किया, 4 रन बना के वो नाबाद हैं। अगर आप स्ट्राइक रेट की बात करें तो 40.00 के रन से इस समय वो रन बना रहे हैं अपनी टीम के लिए। इस बार बहुत ही खूबसूरत गेंद, वहाँ शॉर्ट कवर पे खिलाड़ी तैनात है सिंगल सेविंग पे। और ये बढ़िया कप्तानी, अगर आपको इतना बड़ा फॉर्म, इतना बड़ा इवेंट जीतना है, SNW जीतना है, तो आपको अपना बेस्ट देने की ज़रूरत है। बहुत बढ़िया टप्पा, बिल्कुल विकेट टू विकेट गेंदबाजी कर रहे हैं यहाँ उमर। इसी के साथ उमर ने अपना कोटा समाप्त किया है। उमर ने 4 ओवर किए हैं, 17 रन देके 1 विकेट लिए हैं अपनी टीम के लिए। बहुत ही खूबसूरत गेंदबाजी, जितनी तारीफ करें बहुत ही कम है, क्योंकि कहना आसान है और करना बहुत ही मुश्किल है। कहनी और करनी में हमेशा ज़मीन आसमान का अंतर होता है। अगर आप इकोनॉमी की बात करें तो
4.45 की औसत से उन्होंने अभी तक गेंदबाजी की है। जितनी तारीफ करें बहुत ही कम, एक युवा खिलाड़ी के तौर पे वो अपनी टीम की ओर से खेल रहे हैं। उन्होंने हमें काफ़ी प्रभावित किया है और हमें लग रहा है कि आने वाले समय में वो जेएनके के लिए काफ़ी नाम रोशन ज़रूर करेंगे। इस बार बहुत ही अच्छी गेंद, हल्के हाथों से डिफ्लेक्ट किया था ऑन साइड के क्षेत्र में, लेकिन वहां रन बनाने का कोई भी संभावना नहीं। ये नौवा ओवर प्रगति पे है, 39-2 सुल्तान वॉरियर श्रीनगर की टीम। मोहसिन रमजान 24 गेंदों का सामना किया, इस बार बहुत खूबसूरत गेंद लेकिन उतना ही बढ़िया शॉट, गेंद दर्शक दीर्घा में एक बार फिर से बड़ा छक्का। समझ में नहीं आ रहा है कि उनके बल्ले में ऐसा क्या है, उन्होंने टाइमिंग से ये छक्का लगाया और कितना बढ़िया छक्का, फ्लाइटेड गेंद थी, एक निमंत्रण जरूर था। और इसी के साथ हमारी शान बिलाल सुल्तान जो हैं वो हमारे लाइव में आ चुके हैं। ये एक हमारी टीम में एक प्रोफेशनल फोटोग्राफर हैं और क्या सराहनीय काम करते हैं बिलाल सुल्तान। हम आपके लिए दुआएं यही करते हैं कि इंशाल्लाह आप आने वाले समय में आप बहुत अच्छे काम जरूर करेंगे। बहुत अच्छा शॉट एक बार फिर से, जब तक कि लॉन्ग ऑन का खिलाड़ी उसको फील्ड कर पाते, एक रन से रोक नहीं पाएंगे, उनको थैंक यू कहना चाह वो थैंक यू अगर किसी का भी कहे बिलाल सुल्तान तो निश्चित तौर पे शफी परा का उसका धन्यवाद करना चाहिए। शफी भाई ने उनको एक कश्मीर सपोर्ट्स वॉच का एक अहम हिस्सा बनाया है और निश्चित तौर पे ये उनका टैलेंट भी है, लेकिन एक मंच चाहिए सभी को। जैसा मुझ में थोड़ा बहुत टैलेंट है, अगर मुझे इस तरह का मंच नहीं मिलता तो शायद मैं अपना टैलेंट आपको दिखा पाता, लेकिन धन्यवाद इस चैनल का, धन्यवाद शफी भाई का, धन्यवाद रफीक भाई का जिन्होंने मुझे इस चैनल पे मौका दिया। और मैं अपनी ओर से लगातार प्रयास यही कर रहा हूँ कि आपको हर समय एंटरटेन करूँ और ख़ास तौर से जेएनके के जितने भी मैचेस हैं हम आपको आप तक वो पहुँचाने में हर मुमकिन प्रयास कर रहे हैं। इस बार बहुत ही खराब गेंद, हल्का सा वो दिशा से भटकते नजर आ रहे हैं, ऐसे में अंपायर ने दोनों हाथ हवा में लहराए हैं, इसे दर्शाता है कि ये अतिरिक्त रन जरूर जुड़ेगा सुल्तान वॉरियर श्रीनगर के खाते में। इस अतिरिक्त रन के साथ 48 रन बोर्ड पे। इस बार फ्लाइटेड गेंद थी, चारू खान ने चित किया था मोहसिन रमजान को, कीपर भी बीट हुआ था, कितनी खूबसूरत गेंद। और आज हमें लग रहा है कि कीपर का दिन बिल्कुल भी नहीं है, ये उन्होंने तीसरा कैच यहाँ छूट डाला। और ऐसे में अगर आप इस स्तर पे खेलते हैं, खासतौर SNW चंद्रहमा का मैदान में जब आप खेलते हैं, बड़ी टीम आपके सामने होते हैं, कुछ व्यूवर्स हमें लगातार ये लिख रहे हैं कि SNW की फुल फॉर्म क्या है। जी हाँ, ये हमारे यहाँ के लेजेंड्स थे शबीर, निसार और वाहिद, इसलिए आप देख रहे हैं उन्हीं के नाम हम लगातार ऊंचा कर रहे हैं और उन्हीं के रूप में ये हम प्रतियोगिता लगातार निकाल रहे हैं SNW, जो आप तक हम लाइव लगातार लाइव कवरेज पहुंचा रहे हैं। और अगर आप पूरे जेएनके की बात करें, हम ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं कि हम यहाँ लाइव कर रहे हैं कि हम ये बोलेंगे कि ये सबसे बढ़िया टूर्नामेंट है, लेकिन अगर आप सभी से कहेंगे कि SNW कैसा टूर्नामेंट है तो वो उनकी राय हमेशा यही होगी कि ये जेएनके का सबसे महान लीग इसको माना जाता है। ये मैं नहीं कहता हूँ, निश्चित तौर पर मैं उन्हीं के मैदान में हूँ, मैं उनकी ही बात कहूँगा, लेकिन आप सभी से ये जान लें कि SNW कैसा प्रतियोगिता है। काफ़ी अच्छा कार्य वो कर रहे हैं पिछले 15 सालों से, यही एक कारण है कि 17th एडिशन आपके आंखों के सामने खेला जा रहा है और लगातार ये आपको बेहतर क्रिकेट प्रोवाइड कर रहे हैं। आज के ऑफिशियल अंपायर जो हैं महराजुद्दीन, जो स्क्वायर लेग के अंपायर इस समय भूमिका निभाते हुए, और फयाज अहमद जो इस समय ऑन फील्ड अंपायर के तौर पे अपनी भूमिका निभाते हैं, और तारीफ उनकी भी होनी चाहिए। क्योंकि मैं अपना व्यूज आपको बता दूं, अमूमन जेएनके की क्रिकेट की काफ़ी आलोचना होती है, ये मानना पड़ेगा, इस लिहाज से क्योंकि ऑन फील्डिंग अंपायरिंग उतनी अच्छी नहीं होती है, लेकिन अब समय बिल्कुल बदल रहा है जेएनके क्रिकेट में।
और ख़ास तौर से SNW की अगर आप बात करें, हमेशा सटीक निर्णय होते हैं और इसकी मैनेजमेंट की क्या कहने हैं वो आप सभी जानते हैं। वसीम निसार जो बूम बूम कप के चीफ ऑर्गेनाइजर हैं, वो लगातार इस मैच में उनकी निगाहें बनी रखी हैं। हम उनका दिल की गहराइयों से शुक्रिया धन्यवाद करते हैं क्योंकि वो हमें बहुत अच्छा सहयोग करते हैं। गेंदबाजी में एक और परिवर्तन अब देखने को मिलता हुआ, आमिर अली को गेंदबाजी की कमान सौंप दी गई है स्कॉटलैंड से। 9 ओवर की समाप्ति के बाद 48-2 सुल्तान वॉरियर श्रीनगर की टीम। दर्देश गोनी इस समय स्ट्राइक पे आगे आकर शॉट खेलना चाहते थे लेकिन बीट हुए थे, शायद गेंदबाज ने पहले ही उसको बांप लिया था कि बल्लेबाज कदमों का इस्तेमाल करना चाहते थे, उन्होंने शॉर्ट गेंद रखी थी दर्देश गोनी के पास, उनके पास कोई जवाब नहीं था उस गेंद का। हमने काफ़ी सुना है दर्देश गोनी जिस तरह के खिलाड़ी हैं वो तेज़ खेलना पसंद करते हैं, ऐसे में वो सही रणनीति के साथ खेल रहे हैं। मेरा हमेशा सुझाव यही रहता है किसी भी खिलाड़ी को, जो आप बचपन से खेल खेलते आए हैं, जिसको मैं हिंदी में जो आपका स्वाभाविक खेल है, आप वही खेलें तब जाके आप कामयाब होते हैं। या आप किसी से भी पूछें वो आपको यही बात हमेशा कहेगी। दर्देश गोनी ने 15 गेंदों का सामना किया, 5 रन बना के नाबाद हैं। स्ट्राइक रेट की अगर आप बात करें तो 43.33 की औसत से इस समय रन बना रहे हैं अपने, जो T20 के लिहाज से हम ये मानते हैं कि सही आंकड़े नहीं हैं लेकिन बदलाना ज़रूर चाहेंगे। मोहसिन रमज़ान इस बार पटकी हुई गेंद थी, अक्रॉस द लाइन खेलने की उन्होंने प्रयास ज़रूर किया था, इस बार पूरी तरह से बीट हुए हैं। अगर आप फील्डिंग की बात करें, किस तरह से उनके सामने फील्डिंग सजाई है, उन गली पॉइंट स्वीपर कावर जो हैं वो 30 गज दायरे के बाहर हैं, एक्स्ट्रा कावा 30 गज दायरे के अंदर है, मिड ऑफ 30 गज दायरे के अंदर है, ये ऑफ साइड की फील्डिंग। ऑन साइड में इस बार बहुत ही अच्छी गेंद लेकिन उतना ही बढ़िया शॉट, डीप स्क्वायर लेग पे बहुत अच्छी फील्डिंग, 3 रन जरूर बचाए हैं अपनी टीम के लिए और इसी तरह की फील्डिंग होनी चाहिए हमेशा। बिलाल सुल्तान हमारे साथ लगातार जुड़े हैं, काफ़ी सराहना हमारे करते हुए, शुक्रिया बिलाल भाई, हमारे दिल की गहराइयों से आप भी बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। मुझे लग रहा है कि वो समय दूर नहीं है जब आपका नाम भी शिखर पे होगा। और इसी बीच गली और पॉइंट के बीचों बीच खेला गया शॉट, रोकना असंभव, गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर, 4 रनों के लिए। मोहसिन रमजान जो हैं वो अब अलग ही लय में दिखाई दे रहे हैं लेकिन ये शॉट जो है ये दर्देश गोनी ने खेला है। मोहसिन रमजान ने 28 गेंदों का सामना किया, 24 रन बना के वो नाबाद हैं। दर्देश गोनी जो हैं वो अब खुल के खेलना चाह रहे हैं और एक सही रणनीति के साथ इस बार पटकी हुई गेंद फिर से खेलना चाहते थे। अंपायर की ओर वो दिखा रहे हैं कि शायद वो एक बाउंस का इशारा ना करें। आफाक राजा जो है हमारे साथ इस समय जुड़ रहे हैं, वो पंजाब से देख रहे हैं, ऐसे में वो ये दिखा रहे हैं कि क्रिकेट उनको कितना पसंद है। हम आफाक राजा का हमारी टीम की ओर से दिल की गहराइयों से बहुत बहुत शुक्रिया। 10 ओवर की समाप्ति के बाद 54-2 सुल्तान वॉरियर्स की टीम। आज दोपहर सुल्तान वॉरियर श्रीनगर के कप्तान ने टॉस जीता और उन्होंने पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया है। हालांकि शुरुआत उतनी बढ़िया नहीं रही थी लेकिन इन दो खिलाड़ियों ने अच्छी तरह से अब गेंद को पूरी तरह से अपने रिडार में। इस बार खिलाड़ी नीचे, वहां कैच होना चाहिए, वहां बहुत ही गलत जजमेंट और गेंद दर्शक दीर्घा में, उनके हाथों में गेंद जरूर लगी थी लेकिन रोकने में असफल, कैच लेने में असफल, गेंद दर्शक दीर्घा में, एक और छक्का मोहसिन रमजान के बल्ले से। मेराज इजाज जो हैं जो SNW के दिग्गज माने जाते हैं वो भी हरियाणा से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, ऐसे में वो हमारा हौसला लगातार बढ़ा रहे हैं, हम उनका धन्यवाद कर रहे हैं क्योंकि उनके यहाँ आने से हमारी एक अलग पहचान बन रही है। इस बार बहुत अच्छी फील्डिंग, लॉन्गों के क्षेत्र पे खिलाड़ी जरूर मौजूद था
लेकिन वहां दो रन होने चाहिए, लेकिन अच्छी फील्डिंग के कारण से एक रन से संतुष्ट करना पड़ेगा दोनों बल्लेबाजों को। इन एक रन के साथ 61 रन बोर्ड पे ये गेरवा ओवर प्रगति पे हैं, इसलिए हम हमेशा कहते हैं ये खेल साझेदारियों का है। इस बार बहुत ही खूबसूरती के साथ खेला कावर के जानिब से, जहां पे फील्डिंग कर पाते एक रन से रोक नहीं पाएंगे। दर्देश गोनी ने अभी तक 18 गेंदों का सामना किया, 10 रन बना के नाबाद है। मोहसिन रमजान अब खुल के खेलना चाह रहा है, इस बार सम्मान के साथ बोलोरस बाइक ड्राइव खेला, रन बनाने का कोई भी संभावना नहीं। मोहसिन रमजान ने 30 गेंदों का सामना किया, 31 रन बना के नाबाद है, जिसमें 3 बड़े छक्के मौजूद है। एक बार फिर से बहुत बढ़िया शॉट डीप मिडिल विकेट की जानिब से, रोकना संभव, गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर, 4 रनों के लिए। डीप पॉइंट पे इस बार शॉट खेला गया, जिसको आप कौ कॉर्नर के भी नाम से जाने जाते हैं। काफी कमाल का शॉट ये, और इस 4 रन की बदौलत 67 रन बोर्ड पे मोहसिन रमजान एक ऐसे खिलाड़ी हैं जैसा हमारे व्यूवर्स लगातार उनके बारे में लिख रहे हैं, और ये एक ऐसे खिलाड़ी हैं वो खेल पूरी तरह से बदल सकता है, ये काबिलियत उसमें है। और ये देखिए चौके के बाद बिल्कुल सम्मान देते हुए, ये बड़े खिलाड़ी की निशानी होती है। जी हाँ, शहीद ईशान सऊदी अरब से हमारे साथ जुड़ रहे हैं और काफ़ी सराहना कर रहे हैं हमारी, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। कश्मीर सपोर्ट्स वॉच का मैं करना चाहूँगा, जिन्होंने इतने बड़े मंच पे मुझे मौका दिया, और ख़ास तौर से SNW चंद्रहामा के शफी भाई का, शफी परा, जिसको आप सपोर्ट्स लाला के नाम से जाने जाते हैं। आप बने रहिए हमारे साथ, कुछ ही क्षणों में वो हमारे साथ जुड़ने वाले हैं, काफ़ी कुछ व्यूवर्स उनको ज़रूर पसंद करते हैं, और ये हमारे वो ऑफिशियल कॉमेंटेटर हैं, मुझे काफ़ी सहायता मिलती है उनसे, हर तरह वो मुझे सिखा रहे हैं जहां मुझे कमियां नज़र आ रही हैं। इस मंच के माध्यम से मैं शफी भाई अगर देख रहे हैं उनका धन्यवाद करता हूं। इंशाल्लाह आने वाले समय में अपने आप को काफ़ी सुधारने का प्रयास भी कर रहा हूं और सीख भी रहा हूं। 11 ओवर की समाप्ति के बाद 66 पे 2 सुल्तान वॉरियर श्रीनगर की टीम। अब पहली बार स्ट्राइक पे दर्देश गोनी आए हैं, इस बार दिलशान खूब खेलना चाहते थे, और सही शॉट और सही चैन किया शॉट का, गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर, 4 रनों के लिए। दिलस्कूप इस बार खेला गया, जो दिलशान अमूमन खेलते थे अंतरराष्ट्रीय मैचों में, और इस बार दर्देश गोनी जो हैं उन्होंने ये शॉट खेला है, और कितनी बढ़िया तरीके से खेलना उतना आसान नहीं है जितना हमें स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। दर्देश गोनी जो हैं वो अब अलग मानसिकता के साथ खेल रहे हैं, एक युवा खिलाड़ी ये जरूर हैं, और इसलिए खोल के खेलना ये पसंद जरूर करेंगे। इस बार पटकी हुई गेंद, कवर के ऊपर से खेलना चाहते थे, कवर के ऊपर से शॉट खेलना चाहते थे, लेकिन इस बार संपर्क नहीं हुआ बैट और बॉल के बीच। हम सभी व्यूवर्स का शुक्रिया अदा करते हैं, आज वो हमें काफी अच्छा सहयोग लिख रहे हैं। जैसा कि हम आपको हमेशा कहते हैं कि आपको अगर कहीं पे भी लगे, आप अपना विचार, अपना सहयोग हमें ज़रूर लिखिए, ताकि आने वाले समय पे हम उस पे काम ज़रूर करें, आप हमारे लिए महत्वपूर्ण ज़रूर हैं। दिलस्कूप जो पिछले शॉट उन्होंने खेला है, दर्देश गोनी ने गति का वहाँ इस्तेमाल किया है, और ये तभी खेला जाता है जब एक गेंदबाज के तौर पे आपको बहुत ज़्यादा गति है, तो ये गति का इस्तेमाल असल में किया जाता है एक बल्लेबाज के तौर पे। लेकिन असरदार शॉट ये ज़रूर हैं, अगर आपको ये शॉट रन देते हैं तो इसको हम अच्छा शॉट ज़रूर कह सकते हैं। मोहसिन रमजान ने 33 गेंदों का सामना किया, 35 रन बना के वो अभी भी नाबाद है। इस बार सिला ओवर वन गेंद, बहुत बड़ा शॉट, लॉन्ग ऑन के ऊपर से गेंद दर्शक दीर्घा में, एक और छक्का मोहसिन रमजान के बल्ले से, 39 पे पहुंचे हैं मोहसिन रमजान शुरुआत में। ऐसा शुरुआत में हमें ऐसा लग रहा था कि आज वो थोड़ा सा दबाव में दिखाई दे रहे हैं, लेकिन ये एक उच्च स्तरीय खिलाड़ी हैं, वो उन्होंने अपने प्रदर्शन से फिर से बताया है।
34 गेंदों में 41 पे पहुंचे हैं मोहसिन रमजान 77 कुल स्कोर टीम का। इस बार मिड ऑफ के ऊपर से गेंद दर्शक दीर्घा में एक और छक्का और यहां तो अब अलग इंटेंट के साथ मोहसिन रमजान खेल रहे हैं। अब केवल 3 रन चाहिए उसको अपने अर्धशतकीय पारी को। कितनी जानदार पारी मोहसिन रमजान के बल्ले से। आमिर अली को इस बार उन्होंने टारगेट किया है। आमिर अली अपने कोटे का दूसरा ओवर करते हैं, 23 रन दे हैं, काफी महंगा साबित। और इस बार गति का वहां इस्तेमाल किया, डीप पॉइंट की ओर से उन्होंने जरूर खेला है, एक रन से रोक नहीं पाएंगे। और इस एक रन के साथ मोहसिन रमजान 48 पे पहुंचे हैं, 35 गेंदों का उन्होंने सामना किया है जिसमें 5 बड़े छक्के मौजूद हैं और 2 चौके उन्होंने लगाए हैं अपने बल्ले से। उसका साथ दे रहे हैं दर्देश गोनी जिन्होंने 22 गेंदों का सामना किया, 16 रन बना के वो नाबाद हैं। एक बढ़िया पार्टनरशिप उन्होंने यहां जरूर बनाई है अपनी टीम के लिए, वो तब जब उनको चाहिए था। जैसे कि हम हमेशा इस मंच के माध्यम से आपको यही कहते हैं, महान खिलाड़ी वही हैं जो परिस्थितियों को समझे और परिस्थितियों को बांप कर खेले। वहाँ परिस्थितियाँ उस समय यही थे कि आपको जल्दबाजी करने की वहाँ ज़रूरत नहीं थी, ये इन दो खिलाड़ियों ने यहाँ ज़रूर दर्शाया है। चौथवा मोहसिन रमजान को अब केवल 2 रन चाहिए अपने अर्धशतकीय पारी को। और कितनी बढ़िया पारी, जितनी तारीफ करे बहुत ही कम। मोहसिन आफाक राजा हमें लिख रहे हैं कि 14वें एडिशन में मोहसिन रमजान ने एक शतकीय पारी खेली थी। मुझे वो आंकड़े याद नहीं हैं, लेकिन आप यहाँ के ही रहने वाले हैं, आप बले बांती जानते हैं। आफाक राजा हमें लिख रहे हैं कि मोहसिन के बारे में वो उनको दुआएं भेज रहे हैं। हम आप जानते हैं कि जहाँ पे हम खड़े हैं हम उनको बोल नहीं सकते हैं, हालांकि माइक्रोफोन पे हम आपकी बात हमारे व्यूअर्स तक ज़रूर पहुँचा सकते हैं। 2 रन चाहिए अपने अर्धशतकीय पारी को मोहसिन रमजान को। दर्देश गोनी अब स्ट्राइक पे हैं। 12 ओवर की समाप्ति के बाद 44 पे 2 सुल्तान वॉरियर्स श्रीनगर की टीम। आज दोपहर उनके कप्तान ने टॉस जीता, हालांकि शुरुआत उनकी उतनी अच्छी नहीं रही थी, लेकिन जो ये खिलाड़ी आपके स्क्रीन के सामने हैं उन्होंने थोड़ा सा समय बिताया है और नतीजा आपके सामने है वो क्या कर रहे हैं इस समय टीम के लिए। इसलिए हम आपको हमेशा ये करें कि एक कॉमेंटेटर के तौर पर आप अपना समय थोड़ा सा मैदान के अंदर ज़रूर बिताएं। ये चले गेंदबाज ओ द विकेट, इस बार बहुत ही अच्छी गेंद ऑफ स्टंप से काफ़ी बाहर, अंपायर दोनों हाथ हवा में लहराए हैं, इसे दर्शाता है कि ये अतिरिक्त रन जरूर जुड़ेगा। इस एक रन के साथ 85 रन बोर्ड पे, 85 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट्स। 13वां ओवर प्रगति पे हैं, 85 रन बोर्ड पे लग चुके हैं। 2 खिलाड़ी सुल्तान वॉरियर्स बारामूला ने खोए हैं, सुल्तान वॉरियर्स श्रीनगर ने खोए हैं। इस बार बहुत ही अच्छी गेंद हल्के हाथों से खेला, एक रन से रोक नहीं पाएंगे। कितनी खूबसूरत रनिंग बिटवीन द विकेट, आंखों ही आंखों में उन्होंने इशारा किया और रनों के लिए दौड़ पड़े। और रनिंग की काफ़ी अहमियत होती है T20 फॉर्मेट में, जैसा अंतर्राष्ट्रीय दिग्गज खिलाड़ी विराट कोहली, विलियमसन, बाबर आजम, जैसा आप उनके इंटरव्यू सुन रहे हैं, जब उनके आर्टिकल्स हम पढ़ रहे हैं, वो इस पे खासा ध्यान देते हैं। रनिंग बिटवीन द विकेट काफ़ी महत्वपूर्ण है किसी भी फॉर्मेट में और ख़ास तौर से T20 फॉर्मेट में अगर हम बात करें। इस बार दर्देश गोनी आगे आए थे, शॉट खेलना चाहते थे, पटकी हुई गेंद थी लेकिन उस तरह का संपर्क नहीं हुआ जिसके लिए जाने जाते हैं, डॉट गेंद ये जरूर हुए हैं। दर्देश गोनी एक तरह से साथ जरूर दे रहा है और मुझे लग रहा है उसको जल्दबाजी करने की यहाँ बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं, आप अपना समय बिताएं। मोहसिन रमजान लय में दिखाई दे रहे हैं, उन्होंने 37 गेंदों का सामना किया, 49 रन बना के वो नाबाद हैं। अब केवल एक रन चाहिए अपने अर्धशतकीय पारी को मोहसिन रमजान को। शकील अहमद बहुत ही बढ़िया गेंदबाज
गेंदबाजी करते नजर आ रहे हैं। गति के साथ साथ अगर आपको टप्पा अच्छा होगा तो आप किसी भी बल्लेबाज को तंग जरूर कर सकते हैं। अगर आपके पास गति है, अगर आप सही टप्पे पे गेंदबाजी कर सकते हैं तो आप किसी भी बल्लेबाज को तंग कर सकते हैं। इस फॉर्मेट में काफ़ी व्यूवर्स हमें ये लिख रहे हैं कि इस गेंदबाज में काबिलियत ज़रूर लग रही है। जी हाँ, आप बिल्कुल सही देख रहे हैं इस मैच को। अच्छे गेंदबाज ज़रूर नज़र आ रहे हैं। शकील अहमद इस बार बहुत खूबसूरत शॉट, स्वीपर का वहां पे खिलाड़ी तैनात था लेकिन रोकने में असफल, गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रन के लिए। कितना खूबसूरत शॉट इस बार मोहसिन रमजान का। जैसा हम बातचीत यही कर रहे थे कि वो तेज खेलना पसंद करते हैं और उसी पे ये कॉन्सेंट्रेट भी कर रहे हैं। दर्देश गोनी के बल्ले से ये शॉट निकलता हुआ और ये उनका 3रा चौका था और इस बार स्वीप कवर पे मौजूद खिलाड़ी था। आप अंदाजा लगा लीजिए कि ये कितना तेज शॉट खेला है और खास तौर से प्लेसमेंट इस बार बढ़िया तरीके से उन्होंने ढूंढा और गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। इन 4 रनों के साथ 90 रन बोर्ड पे, और इसीलिए हम हमेशा कहते हैं ना कि ये T20 खास तौर से ये खेल अनिश्चितताओं का खेल है, कब क्या होगा ये किसी को मालूम नहीं है और इसीलिए ये खेल इतना लोकप्रिय है, लोग इसको इतना ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। एक बार फिर शकील अहमद, ओ द विकेट, इस बार दिलशान जैसा शॉट खेलना चाहते थे। पैरों पे गेंद लगी थी, अपील जरूर हुई थी, अंपायर के ऊपर प्रश्न जरूर पूछे गए थे लेकिन नियमानुसार इसको आप नॉट आउट करार जरूर दे सकते हैं। ऑफ स्टंप से काफी बाहर गेंद थी, अंपायर के लिए ये एक आसान मौका, जिसको जिससे मैं हिंदी में कहता हूं एक सरल मौका उनके लिए। ये 13वां ओवर प्रगति पे हैं, 92 रन बोर्ड पे लग चुके हैं, 2 विकेट जरूर खोई हैं यहाँ। इस बार आगे गेंद गिरी थी, मिड ऑन पे क्षेत्र पे खेला गया शॉट, वहाँ हल्की सी मिसफील्डिंग। अगर आप मिसफील्डिंग करते हैं तो उसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ता है। एक बार फिर गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। ऐसा तो लग रहा था जहाँ 1 रन होना चाहिए वहाँ उन्होंने 3 अतिरिक्त रन, 3 ज़्यादा रन जरूर दिए हैं और ये अच्छे संकेत नहीं है RCC वाठूरा के लिए। 13 ओवर की समाप्ति के बाद 96 पे 2 सुल्तान वॉरियर्स की टीम ड्रंकी ट्रॉली जो है वो मैदान में उतार दी गई है, जिसको आप टाइम आउट कहते हैं, स्ट्रेटेजिक टाइम आउट अब लिया जा रहा है। ड्रंकी ट्रॉली जो है वो मैदान में उतार दी जाएगी। ऐसे में आप अपने स्क्रीन पे ये जरूर देख रहे हैं कि थोड़ा सा खेल जरूर ठहरा हुआ है। चल रहा है ठीक है। आज दोपहर टॉस जीता था सुल्तान वॉरियर श्रीनगर के कप्तान ने और उन्होंने पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय जरूर लिया था और शुरुआती ओवर में पावर प्ले में उन्होंने उतनी अच्छी बल्लेबाजी नहीं की थी। शुरुआत में ही उनके 2 अहम विकेट आउट जरूर हुए थे, मोहसिन रमजान और रईस कोहली पारी का आगाज करने के लिए आए थे। मोहसिन रमजान अभी भी नाबाद हैं 49 रन बनाकर, जिन्होंने 37 गेंदों का सामना किया, 5 छक्के और 2 चौके उस पारी में मौजूद हैं। रईस नाजीर, रईस कोहली के नाम से जिसको जाने जाते हैं, उन्होंने आज निराश किया है, 6 गेंदों में 2 रन बना के वो वापस जा चुके हैं। तौसीफ अहमद का वो शिकार बने। उसके बाद वैस महराज आए थे बल्लेबाजी करने में, रईस नाजीर के आउट होने के बाद उन्होंने कुछ अच्छे शॉट्स ज़रूर खेले थे। मिड विकेट के ऊपर से एक छक्का लगाया था, एक चौका लगाया था लेकिन मुझे लग रहा है कि उन्होंने थोड़ी सी जल्दबाजी की थी, अन्यथा वो एक अच्छे लय में ज़रूर दिखाई दे रहे थे।
ओएस महराज जो हैं वो उम्र का शिकार बने। दर्देश गोनी जो हैं उन्होंने 27 गेंदों का सामना किया, 24 रन बना के वो अभी भी नाबाद हैं, जिसमें 4 चौके मौजूद हैं। अभी तक अगर आप मैच समरी की बात करें, मोहसिन रमजान अभी तक हीरो जरूर रहे हैं, जिन्होंने 37 गेंदों का सामना किया, 49 रन बना के वो अभी भी नाबाद हैं। आपके सामने इस समय स्क्रीन के सामने खेल जरूर रुका है कुछ समय के लिए। ड्रंक की ट्रॉली जो है वो मैदान में उतार दी गई है। और यहाँ अगर आप आसपास नज़र दौड़ाओगे तो मुझे दर्शकों पे नज़र पड़ी, और वो दर्शक नहीं है, मैच चाहे कोई भी हो वो हमेशा आते हैं किसी भी टीम को समर्थन करने के लिए, यानी कि सपोर्ट करने के लिए। उमर, शबीर, रफीक, तारिक वो स्टैंड में इस समय बैठे हैं, और एसोसिएशन को वो काफ़ी सपोर्ट करते हैं। ये देख के अच्छा लगता है जब आपके इलाके में इस तरह के लोग मौजूद हैं, तो कहीं ना कहीं काफ़ी अच्छी चीज़ें ये ज़रूर हैं। अब ड्रंक की ट्रॉली जो है वो मैदान से बाहर जा चुकी हैं। एक बार फिर आप देख रहे हैं लाइव विजुअल्स आपके सामने आ रहे हैं। जिन चार का मैंने नाम लिया है अभी भी, वो चारों खिलाड़ी शाहीन सपोर्ट्स चंद्रहामा टीम के साथ खेल चुके हैं पिछले कुछ सालों में, और आज जो उनका मैच है शाहीन सपोर्ट्स चंद्रहामा का, वो अशरफ सपोर्ट्स के साथ है पंजीपुरा में। ऐसे में इस मैच के माध्यम से ढेर भरी शुभकामनाएं शाहीन सपोर्ट्स चंद्रहामा को। रफीक, उमर, तारिक, शबीर हमेशा इंजॉय करते हैं इस मैदान में, मैच चाहे कोई भी हो। और अब मोहसिन रमजान जो हैं वो स्ट्राइक पे आ रहे हैं। कल GMW में उन्होंने काफ़ी सराहनीय काम जरूर किया है इस मैदान में। अब मोहसिन रमजान अब तक के हीरोस आपके स्क्रीन के सामने, 49 रन बना के वो नाबाद हैं। ये चले गेंदबाज राउंड टू विकेट, मोहसिन रमजान ने स्लॉग स्वीप किया फाइन लेग के ऊपर से गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए, और इसी के साथ अर्धशतकीय पारी पूरी। मोहसिन रमजान अब तक के हीरो, और क्या जिझारू पारी। हम मोहम्मद अयूब का भी इस मंच से शुक्रिया अदा करते हैं, धन्यवाद करते हैं, जो एक फुटबॉल के की अगर आप बात करें, एक बड़ी पर्सनैलिटी वो मानी जाती है, लेजेंड है वो। मोहसिन रमजान इस चौके की बदलो 53 रन बोर्ड पे, फ्लाइटेड गेंद स्लॉग स्वीप करके गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए, एक और चौका, और मोहसिन रमजान अब एक अलग ही लय में दिखाई दे रहे हैं। उसको रोकना थोड़ा सा मुश्किल अब जरूर लग रहा है। जहां बिलाल दार हमें लिख रहे हैं कि हमारा मैच कल दोपहर है, आप जरूर आना इंशाल्लाह, हम अपनी ओर से प्रयास जरूर कर रहे हैं। हम जो आप तक आंकड़े पहुंचा रहे हैं वो स्कोरर वो उतना आसान कार्य नहीं है। आबिद मकबूल जो हैं वो आज के स्कोरर हैं, जो आप तक मैं आंकड़े पहुंचा रहा हूं वो उन्हीं के कारण से हो रहा है। ऑनलाइन स्कोर जो हैं डॉक्टर अता मोहम्मद, जबरदस्त काम कर रहे हैं वो दोनों, ये तो करना चाहेंगे वो। और लेकिन मोहसिन रमजान की अगर आप बात करें तो वो एक अलग ही मूड में अब दिखाई दे रहे हैं, खिलवाड़ कर रहे हैं उनके फील्डिंग के साथ, और जिस तरह से वो मूड में दिखाई दे रहा है ऐसा हम अनुमान जरूर लगाएंगे कि बड़ा स्कोर वो जरूर बनाएंगे अपनी टीम के लिए। दर्देश गोनी उसका
छुप के साथ दे रहे हैं, ये एक अच्छे संकेत है, मुझे अच्छा लगा ये देख के। अगर आपका सहयोगी अच्छा खेल रहे हैं तो आपको ज्यादा को, इस बार रिडार में गेंद लॉन्ग ऑन के ऊपर से गेंद दर्शक दीर्घा में, ये छक्का मोहसिन के बल्ले से, इस बार रिडार में गेंद थी। आप इस खिलाड़ी को वहां पे गेंदबाजी नहीं कर सकते हैं, ये खिलाड़ी अलग स्तर का है। और इस छक्के के बदौलत 63 रन बोर्ड पे, इस बार डीप स्क्वायर लेग पे गेंद गई, जरूर गई थी, वहां पे खिलाड़ी तैनात हैं, एक रन से रोक नहीं पाएंगे। ये 14 ओवर की समाप्ति के बाद 113 पे दो, और शुरुआत में क्या हुआ था और आप ये देख रहे हैं कि पूरी तरह से खेल अब बदल चुका है। गिरगिट की तरह ये खेल रंग बदलता है, कब क्या होगा ये किसी को मालूम नहीं है। और इसलिए हम आपको हमेशा इस मंच के माध्यम से कहते हैं, आप हौसला बनाए रखें, आप किसी भी मैच को जीत सकते हैं। शुरुआत में पहले 3 ओवरों में 2 विकेट उन्होंने उनको आउट हुए थे, लेकिन उन्होंने हौसला बनाए रखा, अपने काबिलियत पे उन्होंने विश्वास जताया। नतीजा आपके सामने है, आप देख रहे हैं आपके स्क्रीन के सामने इस समय किस सिचुएशन में है यहाँ सुल्तान वॉरियर श्रीनगर की टीम, एक बहुत बड़ी टीम ये जरूर है। इस बार वहां खिलाड़ी मौजूद हैं, इस बार गलती नहीं करेंगे। डीप मिड विकेट पे खिलाड़ी तैनात था मोहसिन रमजान, अब वापस जा रहे हैं, जारिहाना मूड में वो जरूर दिखाई दे रहे थे, रमीज राजा का वो शिकार बने, जो ही वो अपने घेर चेंज करना चाहते थे, एहसास लग रहा था कि वो अब बड़े शॉट्स खेलना चाहते थे, लेकिन इस बार नहीं, इस बार वहां खिलाड़ी तैनात था। आज के प्लेइंग 11 सुल्तान वॉरियर्स की अगर आप बात करें, प्लेइंग 11 की अगर आप बात करें सुल्तान वॉरियर्स की, मोहसिन रमजान जो उनके कप्तान हैं, दानिश मुजफ्फर, दर्देश गोनी जो इस समय खेल रहे हैं, कैसर मेहरान, मोहम्मद यासीन, निसार, ओवैस महराज, रईस नाजीर, समीर बेल, शाकिर शरीफ, ये आज उनकी प्लेइंग 11 है। अगर आप सुल्तान वॉरियर्स की बात करें, आरपीसीसी वाठपुरा की अगर आप बात करें, रियाज जो उनके कप्तान हैं, आमिर सोहेल, आमिर अली, चौथवा हैं जावेद रोहतर, पांचवा हैं ओवैस, छठवा हैं रमीज राजा जिन्होंने इस खिलाड़ी को आउट किया है, शकील अहमद, सातवा हैं शहीद फैजान, आठवा नौवा तौसीफ अहमद उमर, दसवा वकास गैरवा हैं। ये आज के प्लेइंग 11 हम आपको बता रहे हैं जो दोनों टीमों में आज हिस्सा ले रहे हैं। समीर बेल भी सुल्तान वॉरियर्स की टीम में है, उसका भी एक बहुत बड़ा नाम जरूर है। दानिश मुजफ्फर अब आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए, और इस बार डायरेक्ट हिट जरूर लगी थी, वहां अपील जरूर हो रहे हैं, लेकिन अंपायर पे इस अपील का कोई भी प्रभाव नहीं। ये 15वां ओवर प्रगति पे हैं, 114 रन बोर्ड पे लग चुके हैं, अभी भी मोहसिन रमजान आउट होकर वापस जा चुके हैं। मोहसिन रमजान के आउट होने के बाद अब दानिश मुजफ्फर आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए। बिलाल भाई हमें ये लिख रहे हैं कि आदि काचू भी इस मैच में हिस्सा ले रहे हैं, जी नहीं, वो इस मैच का हिस्सा नहीं ले रहे हैं। इस बार बहुत ही खूबसूरत शॉट, वहां बैकवर्ड पॉइंट पे खिलाड़ी जरूर तैनात था, एक रन के लिए दौड़ पड़े थे, वहां उन्होंने डायरेक्ट हिट जरूर लगाई थी, उस कारण से एक और अतिरिक्त रन वहां जरूर मिलेगा। इन दो रनों के साथ 115 रन बोर्ड पे ये 15वां ओवर प्रगति पे हैं। दानिश मुजफ्फर और दर्देश गोनी इस समय मैदान के अंदर खेल रहे हैं। इस बार बहुत ही खूबसूरत शॉट एक्स्ट्रा कवर की ओर से, जब तक कि मिड ऑफ का खिलाड़ी इसको फील्ड कर पाते, एक रन से रोक नहीं पाएंगे वहां दानिश मुजफ्फर को। दर्देश गोनी अब स्ट्राइक पे हैं, जिन्होंने अभी तक बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी जरूर की है, उनके सामने उन्होंने इस तरह की फील्डिंग सजाई है, गली पॉइंट
बैकवर्ड पॉइंट स्विपा कावा शॉट कावा लॉन्ग ऑफ 30 गज दायरे के अंदर बाहर है। ये ऑफ साइड की फील्ड है, ऑन साइड की फील्डिंग, लॉन्ग ऑन, डीप मिड विकेट, डीप स्क्वायर लेग, वो तीनों खिलाड़ी 30 गज दायरे के बाहर हैं। इस बार बहुत ही अच्छा शॉट, वहां शॉर्ट कवर पे फील्ड होना चाहिए था, लेकिन वहां हल्की सी मिस फील्डिंग, उस कारण से एक रन वहां जरूर मिलेगा दोनों बल्लेबाजों को। इन एक रनों के साथ 15वां ओवर की समाप्ति के बाद 118/3 सुल्तान वॉरियर्स श्रीनगर की टीम। हम अपने व्यूअर्स को ये कहना चाहते हैं कि आपके विचार में यहाँ से कौन सा लक्ष्य सेट कर सकते हैं सुल्तान वॉरियर श्रीनगर की टीम। अभी भी 5 ओवर का खेल बचा है, 15वां ओवर की समाप्ति के बाद 118 रन बोर्ड पे, ऐसे में आप अपनी राय हमारे साथ साझा ज़रूर करें। आपको क्या लग रहा है कि किस लक्ष्य पे यहाँ पहुँच सकते हैं सुल्तान वॉरियर्स की टीम। रमीज राजा, शकील अहमद को अब गेंदबाजी की कमान सौंप दी गई है, जिन्होंने पहला ओवर जरूर किया था, एक अच्छी गेंदबाजी उन्होंने जरूर की है। इस बार पटकी हुई गेंद, वहां शॉर्ट कवर पे खिलाड़ी जरूर तैनात है, उस कारण से एक रन से रोक नहीं पाएंगे वहां दानिश मुजफ्फर को। मुजफ्फर ने अभी तक 3 गेंदों का सामना किया, 3 रन बना के वो नाबाद हैं, उसका साथ दे रहे हैं जो काफी समय से खेल रहे हैं दर्देश गोनी, जिन्होंने 30 गेंदों का सामना किया, 27 रन बना के वो नाबाद हैं। ऐसे में उनसे एक अच्छी पारी खेलने की हम अपेक्षा जरूर कर रहे हैं। इस बार ऑफ स्टंप से काफी बाहर गेंद थी, अंपायर की ओर जरूर देख रहे हैं दर्देश गोनी, लेकिन वाइड का इशारा नहीं है, शायद यही आप देख रहे हैं, दर्देश गोनी थोड़ा सा निराश नजर आ रहे हैं अंपायर की ओर से। शकील अहमद की अगर आप बात करें, गति से वो गेंदबाजी जरूर करें, लेकिन अगर इस गति के साथ वो सही लाइन और लेंथ पे गेंदबाजी करें तो मुझे लग रहा है कि वो सवालिया चिन्ह उस पर जरूर उठा पाएंगे बल्लेबाज पे। ये एक और डॉट गेंद, ये 16वां ओवर प्रगति पे है, 119 रन बोर्ड पे लग चुके हैं। जी हाँ, लगातार इम्तियाज भाई शौकत हमें ये लिख रहे हैं कि 165 का आंकड़ा वो छू सकते हैं, हमें भी वही लग रहा है, लेकिन देखना ही होगा कि ये अंतिम ओवर वो किस तरह से खेल पाएंगे। काफी बढ़िया गेंदबाजी, और इस गेंदबाज के पास गति है और सही टप्पे पे भी ये अब तक गेंदबाजी कर रहे हैं, बिल्कुल मौका नहीं दे रहे हैं, गुड लेंथ पे लगातार ये गेंदबाजी कर रहे हैं, और एक तेज गेंदबाज के तौर पे आपको वही रखने की जरूरत, ज्यादा एक्सपेरिमेंट करने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, आप बेसिक पे करें तब जाके आप कामयाब जरूर हो सकते हैं। 33 गेंदों का सामना किया, इस बार पटकी हुई गेंद थी, वहां डीप पॉइंट पे खिलाड़ी जरूर तैनात हैं, एक रन से रोक नहीं पाएंगे वहां दर्देश गोनी को। इस एक रन के साथ 34 गेंदों का उन्होंने सामना किया, 28 रन बना के वो नाबाद हैं। बतारिफ हमें ये लिख रहे हैं कि कश्मीर नाइट्स का मैच कब है, हमें वो जानकारी नहीं है, आप चंद्रहामा पेज के साथ जरूर जुड़ सकते हैं, वहां आपको इस इवेंट की हर एक कहानी आपके साथ शेयर करते हैं वो। इस बार बहुत अच्छी गेंद और विकेट का पतन, अब वापस जा रहे हैं दानिश मुजफ्फर, एक किनारा लगा था, कीपर ने वहां कोई गलती नहीं की, दानिश मुजफ्फर ने 4 गेंदों का सामना किया, 4 ही रन बना के वो वापस जा रहे हैं। ऐसे में हमें यह लग रहा था कि एक साझेदारी की सख्त आवश्यकता है, लेकिन वो करने में वो सफल नहीं हुए हैं, बट आरिफ हमें शुक्रिया अदा करते हैं भाई, ऐसा कहने की आवश्यकता नहीं है,
हमारा काम यही है कि हम अपने व्यूअर्स के लिए काम करें, और हमें हम लगातार खास तौर से मैं अपनी ओर से प्रयास कर रहा हूँ कि आपके लिए हर मुमकिन हम प्रयास करें, अच्छे अच्छे मैचेस इस चैनल के माध्यम से हम आप तक पहुँचाने का प्रयास ज़रूर कर रहे हैं। 16 ओवर की समाप्ति के बाद 120 पे 4 सुल्तान वॉरियर श्रीनगर की टीम एक वापसी का ऐलान जरूर किया है। एफसीसी वाठुरा की टीम ने, और खास तौर से अगर आप इस बल्लेबाज की बात करें, क्षमा चाहूंगा इस गेंदबाज की बात करें, शकील अहमद, जिन्होंने पिछले ओवर में एक विकेट जरूर दिलाई है अपनी टीम के लिए। 16 ओवर की समाप्ति के बाद 120 पे 4 सुल्तान वॉरियर श्रीनगर की टीम। इस बार आगे गेंद रिडार में, खिलाड़ी वहां तैनात हैं। इस बार एक और दचका जरूर लगा है, इस बार बहुत बड़ी विकेट जाल में। दर्देश गोनी जो हैं वो निराश कदमों के साथ वापस जा रहे हैं, उनके रिडार में वो गेंद जरूर थी, जैसा कि मैंने आपको कहा था काफी ऊपर गेंद थी, जिसको आप और पिच गेंद कहते हैं, लेकिन बल्ले और बैट के बीच उस तरह का संपर्क नहीं हुआ, यानी कि मिडल पे गेंद नहीं लगी, अन्यथा ये काफ़ी दूर जा सकती थी ये गेंद, लेकिन वहाँ पे मिड ऑन पे खिलाड़ी तैनात था। इस बार उन्होंने कोई गलती नहीं की, दर्देश गोनी जो हैं वो वापस जा रहे हैं निराश कदमों के साथ, जिन्होंने 34 गेंदों का उन्होंने सामना किया है, 28 रन बना के वो अभी अभी आउट हो चुके हैं। एक अच्छे रिदम में वो जरूर लग रहे हैं, और यही इस खेल में मजा है। आप चाहे कुछ भी प्रिडिक्ट करें, यहाँ प्रिडिक्शन सभी फेल हैं इस क्रिकेट में। अब हमें यहाँ से ये लग रहा है कि 160 रन बनाना उतना मुश्किल नहीं है। मीर शकील जो हैं हमारे साथ जुड़ चुके हैं, ये मेरे चिचा राम भाई हैं। शुक्रिया शकील भाई, आप हमारा हमेशा सहयोग करते हैं, उम्मीद है कि आप आने वाले समय में भी मेरा इसी तरह से सहयोग करेंगे। अब मैच की और की अगर आप बात करें, कैसर और निसार दो नए खिलाड़ी, अभी तक दोनों खिलाड़ी ने कोई भी रन नहीं बनाया है, ऐसे में ये मौका है वापसी करने का एफसीसी वाठुरा को। इस बार ऊपरी किनारा लगा, भाग्यशाली रहे कि गेंद नो मैन इज लैंड में गिरी, शॉर्ट कवर पे वहां खिलाड़ी तैनात था, करीबी मामला हो सकता था, लेकिन गेंद जो है काफी आगे गिरी है, इसलिए मैंने आपको कहा कि भाग्यशाली रहे, गेंद कुछ देर जरूर हवा में थे। कैसर जो है वो बाएं हाथ के खिलाड़ी हैं, उन्होंने पहली गेंद पे अपना खाता जरूर खोला है। इस बार डीप पॉइंट पे खेला गया शॉट, जब तक उसको फील्ड कर पाते एक रन से रोक नहीं पाएंगे। इस एक रन के साथ 121 रन बोर्ड पे दर्देश गोनी ने 35 गेंदों का सामना किया, 28 रन बना के वो रमीज राजा का शिकार बने। इस बार बहुत ही खूबसूरत शॉट, और कितना बढ़िया शॉट ये, इस बार बाएं हाथ के बल्ले से सुकेर लेग के ऊपर से गेंद दर्शक दीर्घा में, एक और छक्का, और कितना बढ़िया शॉट, इस बार टाइमिंग से लगाया गया शॉट। कौन कहता है इस T20 फॉर्मेट में आपको ताकत की जरूरत है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप इस मैच को देख रहे हैं तो सीखने की चीजें काफी कुछ हैं। वैस महराज के बल्ले से ये छक्का निकलता हुआ, और कितना बढ़िया छक्का, और छक्के के बाद एक बार फिर ऑफ स्टंप से काफी विद उन्होंने दी थी, छोड़ना मुश्किल लग रहा है इस बल्लेबाज से, और एक बार फिर गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। इस बार डीप पॉइंट पे खेला गया शॉट, वहां डीप स्क्वायर लेग पे खिलाड़ी जरूर तैनात था, डीप पॉइंट पे खिलाड़ी जरूर तैनात था, रोकना मुश्किल, गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर, एक बार फिर से बॉलर उसके सर के ऊपर से ये एक और छक्का बाएं हाथ के बल्लेबाज से। ओएस महराज से इस ओवर में काफी ज्यादा रन आए हैं,
निश्चित तौर पे कहना यही पड़ेगा कि एक महंगा साबित ओवर होता हुआ। या अगर आप एफसीसी वाठुरा की बात करें और इस तरह की गेंदबाजी अगर आप करते हैं, जो उन पे ये प्रेशर क्रिएट हुआ था वो आप पूरी तरह से बदल चुका है। इस खेल में लगातार जो है मोमेंटम बदलते रहते हैं, इसलिए आपको अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन देना पड़ता है। और इसी के साथ ओवर की भी समाप्ति, 17 ओवर की समाप्ति के बाद 138 पे 5 सुल्तान वॉरियर श्रीनगर की टीम। हमें ऐसा लग रहा था कि दो नए खिलाड़ी हैं, उनको उतना आसान नहीं रहेगा बड़े शॉट खेलने में, लेकिन कैसर ने हमारे विपरीत काम किया है। हमको यहाँ गलत उन्होंने ठहराया है। उन्होंने 4 गेंदों में 17 रन बनाए हैं, इसमें 2 छक्के और 1 चौका मौजूद हैं। इस बार किनारा, कोई गलती नहीं कि विकेट कीपर ने एक और विकेट का पतन, शकील अहमद ने ये दूसरी विकेट दिलाई है अपनी टीम को। और ये 5 ये 6वीं विकेट का पतन, और कितनी खूबसूरत गेंदबाजी, जितनी तारीफ करें उतनी कम। अगर आप शकील अहमद की बात करें जो अपने कोटे का 3रा ओवर करते नजर आ रहे हैं, जहां बट इरशाद, जहां हमसे चूक हुई थी, गलती हुई थी, कभी कभार इतने ज़्यादा धूप में हमसे जो हैं गलतियां होती रहती हैं। RPCC वाठुरा उनका सही नाम है, मेरे से गलती हुई है, उम्मीद है कि आप इस तरह की गलतियों को नज़रअंदाज करेंगे। RPCC वाठुरा की जो टीम है उनके कप्तान एक अच्छे गेंदबाज को यहाँ गेंदबाजी की कमान सौंप दे रहे हैं, वो उस पर पूरी तरह से खड़े उतर रहे हैं। शकील अहमद अपने कोटे का 3रा ओवर करते नजर आ रहे हैं, अभी तक 12 रन देके 2 अहम विकेट उन्होंने अपनी टीम की ओर से अभी तक जरूर लिए हैं, और ये एक अच्छी चीज उनके टीम के हित में जरूर है। इस बार जानबूझ के खेला गया शॉट, थर्ड मैन वहां 30 गज दायरे के अंदर था, इस बार गति का उन्होंने पूरा इस्तेमाल किया, गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। मेहरान आए थे अब बल्लेबाजी करने के लिए, पहले ही गेंद पे उन्होंने बहुत ही खूबसूरत शॉट जड़ा, और इस बार नजाकत से काफी तेज गेंद थी, ऑफ स्टंप से काफी बाहर, जानबूझ के उन्होंने गाइड किया था, थर्ड मैन वहां 30 गज दायरे के अंदर था, इसलिए इस शॉट पे उन्होंने 4 रन अर्जित किए हैं अपनी टीम के लिए। इन 4 रनों के साथ 142 रन। इस बार एक बार फिर से एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से खेला गया शॉट, लेकिन पिछले ही गेंद पे उन्होंने फील्ड में परिवर्तन किया था, थर्ड मैन को 30 गज दायरे के बाहर उन्होंने खड़ा किया था, उस कारण से इस गेंद पे एक ही रन बना। इस एक रन के साथ 143 रन बोर्ड पे, ये 18वां ओवर प्रगति पे हैं। कैसर और मेहरान इस समय मैदान के अंदर हैं, और खास तौर से अगर आप कैसर की बात करें, स्ट्राइक रेट 400 से अधिक, आप अंदाजा लगा लीजिए उन्होंने कितने आतिशी बल्लेबाजी किए हैं। 4 गेंदों में 17 रन पे खेल रहे हैं और अभी भी ये नाबाद हैं। RPCC वाठुरा की जो टीम है, शुरुआत में उन्होंने दबाव में जरूर लाया था सुल्तान, वो इस बार एक बार फिर गाइड किया, वहां जानबूझ के उन्होंने शॉट खेला गया था डीप पॉइंट पे, यहां रोकना असंभव, गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। यहां आउटफील्ड इतना तेज है, एक बार आप गैप ढूंढते हैं उसको रोकना बहुत ही मुश्किल जरूर रहेगा। कैसर जो है ये बाएं हाथ की खिलाड़ी है, थोड़ी सी दिक्कतें नजर आ रही है यहां। RPCC वाठुरा की अगर आप बात करें,
उनके गेंदबाजों को थोड़ी सी दिक्कतें जरूर नजर आ रही हैं, जो बाएं हाथ के खिलाड़ी के सामने अगर आप देखें। एक बार फिर से वहां खिलाड़ी तैनात हैं, इस बार बहुत बढ़िया प्रयास, शॉर्ट कवर पे खिलाड़ी तैनात जरूर था, वहां कैच होने की संभावना भी जरूर थी, उन्होंने प्रयास जरूर किया था, फील्डर ने एक अच्छा प्रयास जरूर किया था। हम प्रयास के तो 100% मार्क्स जरूर देना चाहेंगे, क्योंकि हमेशा मैदान के बाहर बातें करना आसान लग रहा है, लेकिन मैदान के अंदर वो चीज़ें दर्शाना वो एक अलग चीज़ ज़रूर होती हैं। इस बार गेंद हवा में, गेंदबाज खुद आ रहे हैं गेंद के सामने, और इस बार कोई गलती नहीं की, शॉर्ट कवर पे खिलाड़ी तैनात था। पहला हमें ये लग रहा है कि गेंदबाज खुद दौड़ना चाह रहे थे, लेकिन अंतिम चरणों में शॉर्ट कवर के खिलाड़ी ने उनसे ये बात की कि मैं लेना चाह रहा हूं, और सही कॉलिंग उन्होंने की है। ये 7वीं विकेट का पतन, और इस बार कैसर वापस जा रहे हैं, जो एक अच्छी पारी जरूर खेल रहे हैं। 6 गेंदों में उन्होंने 23 रन बनाए थे अपनी टीम के लिए, और अब निराश कदमों के साथ वो वापस जरूर जा रहे हैं। सुल्तान वॉरियर्स की श्रीनगर की टीम यही चाह रही थी कि कैसर अंत तक खेले, लेकिन क्रिकेट में अगर मगर की कहानियां कभी भी नहीं चलती हैं, कब क्या होगा ये किसी को मालूम नहीं है, और इसीलिए ये खेल इतना लोकप्रिय खेल जरूर बन चुका है। 18 ओवर की समाप्ति के बाद 149/7 सुल्तान वॉरियर्स की टीम, यहां से उनका प्रयास यही है कि 170 का वो आंकड़ा जरूर छूना चाहेंगे। मुश्किल लग रहा है, लेकिन नामुमकिन किसी भी लिहाज से नहीं है। अभी भी 12 गेंदे बची हैं पहली पारी के, और ये 149/7 सुल्तान वॉरियर श्रीनगर की टीम, अभी भी 12 गेंदों का खेल बचा है। ऐसे में ये जितना हो सके रन जोड़ने का प्रयास जरूर करेंगे। 170-175 का आंकड़ा अगर यहां से सुल्तान वॉरियर्स श्रीनगर की टीम नहीं छू पाएंगी, मेरे विचार में तो वो निराश होंगे। शकील अहमद ने बहुत ही अच्छी गेंदबाजी की है, जितनी उनकी तारीफ करें वो कम, क्योंकि वो हम इस लिहाज से कह रहे हैं उन्होंने अभी तक 3 ओवर किए हैं, 23 रन देके 3 महत्वपूर्ण विकेट उन्होंने अपनी टीम के लिए लिए हैं। कहना ये पड़ेगा कि एक कमर सी तोड़ डाली वहाँ सुल्तान वॉरियर श्रीनगर को। इस बार पटकी हुई गेंद थी, वहाँ एक्स्ट्रा कवर पे खिलाड़ी जरूर तैनात था 30 गज दायरे के अंदर, लेकिन एक रन से वो रोक नहीं पाएंगे। हम लगातार प्रयास कर रहे हैं कि शफी परा कब आएंगे इस मैदान के अंदर। काफ़ी मुश्किल है, इतनी गर्मी के सामने हम अब तक लाइव टेलीकास्ट से पहुंच रहे हैं। मुझे लग रहा है कि वो आने ही वाले हैं, अंतराल के बाद वो इंशाल्लाह हमारे साथ ज़रूर जुड़े। 19वां ओवर इस समय चल रहा है, 150 रन बोर्ड पे लगाए हैं, और ऐसे में अगर 175 का आंकड़ा सुल्तान वॉरियर श्रीनगर नहीं छू पाएंगी, तो मेरे विचार में वो निराश हैं, और इसलिए आप अपने स्क्रीन पे ये देख रहे हैं। बातचीत इस समय आपस में जरूर कर रहे हैं ये दो खिलाड़ी। इस प्रतियोगिता के, इस इवेंटिंग के स्पॉन्सर, मैन स्पॉन्सर बायोकियर सारा डायग्नोस्टिक, सारा डायग्नोस्टिक हॉस्पिटल हैदराबाद, वो काफी अच्छा सहयोग करते हैं इस प्रतियोगिता को लेके। बायोकियर लैब क्रीरी वो इस टूर्नामेंट के SNW 17th एडिशनल प्रतियोगिता के ऑफिशियल स्पॉन्सर्स हैं, अपनी भागीदारी वो लगातार दे रहा है, और ये एक अच्छी चीज है। कि मैं इस मंच के माध्यम से ये भी कहूंगा कि अगर आप बड़े बिजनेसमैन हैं, अगर आप चाह रहे हैं आप इस खेल में पैसे जो हैं वो इन्वेस्ट जरूर करें, और वो भी एक अच्छे इवेंट में जो आपको लग रहे हैं कि आपके काम अच्छी तरह से वो कर सकें। 19वां
और इस समय जारी है 152 रन बोर्ड पे जरूर लग चुके हैं इस ओवर में। अभी दो गेंद आना बाकी है। इस बार एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से खिलाड़ी उसके पीछे दौड़ रहे हैं, जब तक उसको फील्ड कर पाते दो रन से रोक नहीं पाएंगे। इन दो रनों के साथ 154 रन बोर्ड पे अभी भी एक गेंद आना बाकी है 19वें ओवर में। ये चले गेंदबाज ओवर द विकेट। इस बार दिलशान का शॉट खेलना चाहते थे, हालांकि इस पारी में एक शॉट जरूर खेला था दिलस्कूप, लेकिन इस बार शॉट खेलने में वो कामयाब नहीं हुए। इसी के साथ 19 ओवर की समाप्ति के बाद 154 पे 7 सुल्तान वॉरियर श्रीनगर की टीम। वुड पार्क हांजी वोरा एक और ऑफिशियल स्पॉन्सर हैं, 17th एडिशन SNW के अहमद सपोर्ट्स हैदर बेग, वो अपनी भागीदारी लगातार इस प्रतियोगिता में दे रहे हैं और इस मंच के माध्यम से उनका बहुत बहुत शुक्रिया। वो आने वाले समय में भी अपना इसी तरह से सहयोग करें। आई प्रो एजुकेशन सर्विसेज भी इसके ऑफिशियल स्पॉन्सर्स हैं। 19वां ओवर की समाप्ति के बाद 154 पे 7 सुल्तान वॉरियर श्रीनगर की टीम। और अंतिम ओवर करने आ रहे हैं रमेश। इस बार फाइनल की दिशा में खेला गया शॉट था, लेकिन वहां खिलाड़ी 30 गज दायरे के अंदर मौजूद था, अन्यथा इसको 4 रन होने चाहिए थे, लेकिन एक रन से रोक नहीं पाएंगे। इस एक रन के साथ 155 रन बोर्ड पे, जहां पे शॉट लगा था कप्तान खुद वहीं पे तैनात थे फाइन लेग पे, शॉर्ट फाइन लेग पे, अन्यथा अगर उनके इधर उधर गेंद गई थी इस पे 4 रन की छाप जरूर लगी थी। अब फाइन लेग हटाया गया, पहली स्लिप में वो कप्तान खुद तैनात है। ये चले गेंदबाजों तो विकेट। इस बार शॉट खेलना जरूर चाह रहे थे, वहां शॉट मिड विकेट पे गेंद जरूर गई थी, जब तक खिलाड़ी दौड़ के आते एक रन से रोक नहीं पाएंगे। इस एक रन के साथ 156 रन बोर्ड पे, जैसा हमारे व्यूअर्स ये लिख रहे थे कि 165 का आंकड़ा ही छू पाएगी यहाँ। मेहरान ने 7 गेंदों का सामना किया, 9 रन बना के वो नाबाद हैं। ऐसे में हमारे व्यूअर्स के लिए एक बहुत बड़ा प्रश्न है, आप ये लिखिए कि किस लक्ष्य के और वो जरूर रोकेंगे। इस बार बहुत अच्छा शॉट जरूर था, लेकिन वहां अच्छी फील्डिंग के कारण से 2 रन अर्जित जरूर किए। हम अपने व्यूअर्स को ये कहना चाहते हैं कि आप अपनी राय यहां जरूर लिखिए कि सुल्तान वॉरियर्स की जो टीम है वो कौन सा टारगेट सेट कर सकते हैं यहां पे। इस समय 156 रन बोर्ड पे हैं, अभी भी 4 गेंदे आना बाकी हैं। ये 20वां ओवर इस समय चल रहा है, सुकून एंड से गेंदबाजी कर रहे हैं ये। इस बार सिलोवर गेंद पिक नहीं किया था और बहुत अच्छी सोच के साथ गेंदबाजी कर रहे हैं। पहले उन्होंने गति का इस्तेमाल किया, इस बार गति परिवर्तन, और अगर आप अंतिम ओवर करते हैं तो इस तरह की गेंदबाजी करना फिर अनिवार्य है आपके लिए एक गेंदबाज के तौर पे। 159 रन बोर्ड पे लग चुके हैं, 2 गेंदे अभी भी आना बाकी हैं। ये 20वां ओवर प्रगति पे हैं। मेहरान और समीर बेल इस समय मैदान के अंदर हैं। समीर बेल नॉन स्ट्राइकिंग एंड पे मौजूद हैं। शकील अहमद गेंदबाजी कर रहे हैं, जिन्होंने 3 विकेट अभी तक ली हैं। ये चले इस बार बहुत ही खूबसूरत गेंद पड़ने के बाद नीचे रही थी गेंद, वहां करीबी मामला होता अगर कीपर डायरेक्ट हिट लगाने में कामयाब होते, यहां विकेट का पतन जरूर होना था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इस एक रन के साथ 160 रन बोर्ड पे समीर बेल अब स्ट्राइक पे हैं, जिन्होंने 3 गेंदों का सामना किया, 4 रन बना के वो नाबाद हैं। तकनीकी लिहाज से अगर आप देखिए समीर बेल बहुत ही सक्षम हैं, और ऐसे में एक गेंद, ये डॉट गेंद, पहली पारी की जो अंतिम गेंद थी वो डॉट जरूर हुए हैं। उन्होंने
मुकर्रा 20 ओवरों में सुल्तान वॉरियर श्रीनगर की टीम ने 160 रन बनाए हैं, तो 161 रन जीतने के लिए करने होंगे। आरपीसीसी वाठूरा को 160 रन जरूर बनाए हैं सुल्तान वॉरियर श्रीनगर की टीम ने, और 161 रन मैच जीतने के लिए करने होंगे आरपीसीसी वाठूरा को। एक सौ साठ रन बनाए हैं सुल्तान वॉरियर श्रीनगर को, 161 रन जीतने के लिए करने होंगे आरपीसीसी वाठूरा को। हम अपने व्यूवर्स को ये कहना चाहते हैं, ये मैच ब्लॉकबस्टर होने जा रहा है। अंतराल के बाद शफी परा भी हमारे साथ जरूर जुड़ेंगे, तब तक आप अपना ख्याल रखें। अंतराल के बाद फिर से जुड़े, तब तक के लिए हमारी ओर से